अरुण जेटली को आखिरी विदाई देते हुए आसमान भी रो पड़ा। आपको बता दें कि निगम बोध घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब बहुत तेज बारिश के साथ हवाएं भी चल रही थी, जिसके बाद जो वहां लोग मौजूद थे वो भीगने लगे। अरुण जेटली के निधन की खबर जैसे ही आई थी वैसे ही पूरे देश का दामन भीग चुका था, लेकिन जब उनके पंचतत्व में विलीन होने की बारी आई तब पूरा आसमान रोता हुआ नजर आया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश की वजह से लोग छाते लेकर पहुंचे थे। अरुण जेटली को आखिरी विदाई दे दी गई है। अनंत सफ़र पर चले गए हैं अरुण जेटली, ऐसे सफ़र पर जहां से वो लौटकर कभी नहीं आ सकते। एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए हैं अरुण जेटली जो भगवान की दुनिया कही जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां से इंसानों का लौटना कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अरुण जेटली के जाने से इस वक्त पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और अरुण जेटली पंचतत्व में विलीन हो गए। इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी मुख्यालय में रखा गया और तकरीबन 4 घंटे तक लोगों ने वहां पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी है। निगम बोध घाट पर भी इन तमाम नेताओं की मौजूदगी देखी गई। बाबा रामदेव भी इस दौरान मौजूद थे। आपको बता दें कि निगम बोध घाट पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पहुंचे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, इन तमाम लोगों ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी और निगम बोध घाट पर भी उन्हें अंतिम बार प्रणाम किया। अंतिम संस्कार के लिए जेटली का पार्थिव शरीर जब बीजेपी मुख्यालय रखा गया तो बीजेपी के एक एक नेता और कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो आई थी। जैसे ही कल शनिवार को दोपहर 12:07 पर उनके मरने की खबर आई वैसे ही पूरा देश रोने लगा था, आंसुओं का सैलाब आ गया था। प्रधानमंत्री अरुण जेटली के निधन के दौरान भारत में तो नहीं थे लेकिन वो दूर विदेश में होकर भी अपने दोस्त अरुण जेटली को बहुत याद करते नजर आए। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, उन्होंने अरुण जेटली के परिवार के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की और उन्होंने कहा कि उनका एक अच्छा साथी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपको बता दें कि निगम बोध घाट पर और कई नेता नजर आए, जिसमें रामदास आठवले नजर आए थे, रामविलास पासवान थे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया पहुंचे थे और इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, तकरीबन 8-9 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। निगम बोध घाट पर पहुंचने वाले हर शख्स की आंखें नम थी और सिर झुका हुआ था, क्योंकि अरुण जेटली जैसे नेता विरले ही होते हैं इस हिंदुस्तान में। वो नेता जो सबको साथ लेकर चले, वो नेता जो सत्ता पक्ष में रहे तो भी विपक्ष का दुलारा हो और विपक्ष में रहे तो भी सत्ता पक्ष का दुलारा हो, बहुत कम ही लोग होते हैं। अरुण जेटली की ये सादगी थी, अरुण जेटली का ज़मीन से लगाव था कि उन्होंने अपने साथियों के, अपने कर्मचारियों के बेटे बेटियों को भी वहीं शिक्षा दी जहाँ उनके अपने बेटे बेटी पढ़ा करते थे, ये उनका बड़प्पन है। अरुण जेटली हमेशा कई चीज़ों को पसंद करते थे और उनमें से एक चीज़ थी उनके कार का नंबर। उनकी कार का नंबर अक्सर या उनके तमाम गाड़ियों का नंबर देखा जाता था, 4x6 होता था। अरुण जेटली ने जब उनके कर्मचारी के बेटे ने टॉप किया तो अपनी कार गिफ्ट कर दी थी, ये भी लोग बताते हैं। और कई क्रिकेटरों को उन्होंने खड़ा किया, कई क्रिकेटर्स जो हमने देखा कि एक दौर के लेजेंड माने गए, उनमें से वीरेंद्र सहवाग एक हैं और आज के दौर के लेजेंड विराट कोहली को भी तलाशने और तराशने का काम अरुण जेटली ने किया था। फिरोज शाह कोटला मैदान को अगर किसी ने नया स्वरूप दिया तो वो थे अरुण जेटली। देश की अर्थव्यवस्था को अगर टैक्स के मामले में किसी ने नया अध्याय पढ़ना सिखाया तो वो थे अरुण जेटली, जिन्होंने पूरे देश को जीएसटी जैसे एक टैक्स के भीतर लाकर सबको जोड़ दिया। अरुण जेटली की ही देन थी कि देश में नोटबंदी जैसे बड़े कदम उठाए गए, उनकी ही देन थी कि अचानक हमने देखा कि पूरी दुनिया मंदी की तरफ जाती जा रही थी लेकिन हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही थी, एक ताकतवर अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रही थी। उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि दुनिया में हिंदुस्तान 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। अरुण जेटली का ना होना सिर्फ बीजेपी के लिए कमी नहीं है
इस देश के लिए भी बहुत बड़ी कमी है, इस देश की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी कमी है। अरुण जेटली भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बताए गए रास्ते, उनके किए गए काम हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से अरुण जेटली को श्रद्धांजलि।